हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आवर चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ इज फोर टिक 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 इन दिस चैप्टर हमने पढ़ा था अबाउट क्लॉक क्लॉक में टाइम कैसे देखना है एंड अबाउट मिनट हैंड लाइक हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम मिनट हैंड मूव करने में यहाँ से फ्राम थ्री एंड फ्राम फोर टू टेन थ्री टू सेवन फ्राम थ्री टू सेवन टू फोर टू टेन कितना टाइम लेगी इसे ऐसे पढ़ते हैं थर्टी फाइव मिनट्स पास्ट थ्री टू फिफ्टी मिनट्स पास्ट थ्री तीन बज के फिफ्टी मिनट्स आफ्टर टेन मिनट्स फोर ओ क्लॉक सो मिनट हैंड कितना मूव कर रही है डिफरेंस इज फिफ्टीन मिनट्स एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ मुनिया मुनिया की डेट ऑफ बर्थ फाइंड की थी हमने

लाइक like दिस हमने इसे अपनी फेयर कॉपी में किया था मुनिया वॉजबॉर्न फाइव थ्री फाइव विज डिनोट डे फाइव मंथ थ्री मंथ फाइव ईयर सो फाइव मार्च टू थाउजेंड फाइव सी एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम उसने जब खाना खाया फाइव नाइन्थ सेप्टेंबर फाइव सेप्टेंबर टू थाउजेंड फाइव सो हमने फाइंड करना है उसको तब हाउ ओल्ड सी सो ईयर मंथ डे टू थाउजेंड फाइव एंड मंथ सेप्टेम्बर मीन्स नाइन डे फाइव एंड शी वॉज बॉर्न फाइव मार्च टू थाउजेंड फाइव सो ईयर टू थाउजेंड फाइव मार्च थर्ड मंथ थ्री एंड डे फाइव सो हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया था देन वी विल गेट सिक्स मंथ सिक्स मंथ सो सी इज सिक्स मंथ ओल्ड सी एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो छह महीने की थी जब उसने फर्स्ट टाइम खाना खाया था ऐसे हमने फाइंड किया था वेंशी वॉज गोट हर फर्स्ट टूथ now in this chapter we will start from here so is pe humne padha tha holidays are fun holidays chuttiyan are hain fun mazedar holidays are fun chuttiyan mazedar hain Atif's holidays had begun Atif का holiday start हुआ था और इस पर हमने पढ़ा हुआ था कि आतिफ ने एक लेटर लिखा था फ्रॉम अजमेर अजमेर में वो रहता है वहां से एट वन फाइव सिक्स मीन्स वन फाइव विच इज डिनोटेड टू मंथ ये मंथ को डिनोट करता है और ये ईयर को सो वन मे मई फिफ्थ मंथ वन मे टू थाउजेंड सिक्स को लेटर लिखा था टू शबाना आतिफ ने सबाना को लेटर लिखा हुआ था टू सबाना फ्रॉम वन फाइव वन मे टू थाउजेंड सिक्स एंड सीकट लेटर सेवन फाइव टू थाउजेंड सिक्स सेवन मे टू थाउजेंड सिक्स एंड इस लेटर पर उसने लिखा था कि उसकी छुट्टियाँ कब हुई कब वो अपने नानी के घर गया कब उसका स्कूल री विल रीओपन फिर से खुलेगा एस सेम सवाना को जब लेटर मिला सवाना ने भी अपनी हॉलीडेज़ को डिस्क्राइब किया था कि कब उसकी छुट्टियाँ हुई कितने टाइम के लिए उसकी छुट्टियाँ हो रही हैं राइट सो इन से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन किए थे आतिफ रोट हिज लेटर ऑन वन फाइव सिक्स वन मे टू थाउजेंड सिक्स को आतिफ ने लेटर लिखा था यू रिमेंबर आपको याद है हाउ कितने वी हम राइट लिखना ए, एक डेट इन मई नंबर्स आपको याद है कि हम एक डेट को इन नंबर्स में कैसे लिखते हैं येस yes. वन फाइव जीरो सिक्स इज वन मे टू थाउजेंड सिक्स डेट कौन नंबर में ऐसे लिखते हैं वन मे टू थाउजेंड सिक्स मंथ को डिनोट करता है एंड ईयर को एंड दिस वन इज फॉर डेट सो वन मे टू थाउजेंड सिक्स ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे किए थे फाइव फाइव जीरो सिक्स मीन्स फाइव मे टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव जीरो सिक्स ट्वेंटी मे टू थाउजेंड सिक्स सेवन सिक्स जीरो सिक्स सेवन सिक्स जून सिक्स मंथ इज जून सो सेवन जून टू थाउजेंड सिक्स एज सेम वन वन जीरो सेवन वन एंड फर्स्ट मंथ इज जनवरी सो वन जनवरी टू थाउजेंड सेवन नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर और डेट्स इन नंबर्स डेट को हम सॉरी नंबर्स को हमने डेट पर लिखा हुआ है तो यहाँ नंबर्स को डेट पर ऐसे लिखा है नंबर्स हैं इनको डेट पे लिखा फाइव में टू थाउजेंड सिक्स मे जून जनवरी एंड राइट दीज डेट्स इन नंबर्स अब इन डेट्स को नंबर में कैसे लिखेंगे नंबर्स को डेट्स में ऐसे लिखा है और डेट्स को नंबर में कैसे लिखते हैं वन जून टू थाउजेंड सिक्स वन डे हो गया वन एंड जून जून विच इज सिक्स मंथ of the year so साल का सिक्स मंथ है सो so, जून जून को हम लिखेंगे सिक्स एंड टू थाउजेंड सिक्स इज लास्ट टू डिजिट्स जीरो सिक्स थर्टी मई टू थाउजेंड सिक्स इज थर्टी एंड मे फिफ्थ मंथ सो फाइव एंड ईयर लास्ट टू डिजिट्स जीरो सिक्स टेन अगस्त टू थाउजेंड सेवन टेन अगस्त एट्थ मंथ सो एट टेन एट 2007 थाउजेंड डेट्स को नंबर्स में एंड नंबर्स को डेट्स में कैसे लिखते हैं ये भी हमने सीखा था इन दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर हाउ लॉन्ग हाउ कितना लॉन्ग लंबा डिड इट इट यह टेक लेता द लेटर लेटर चिट्ठी टू को रीच पहुंचने में फ्रॉम से अजमेर अजमेर से टू को नागपुर अजमेर से नागपुर को पहुँचने में लेटर कितना टाइम लेता है कितने डेज सो वन फाइव जीरो सिक्स फ्रॉम वन टू सेवन फाइव जीरो सिक्स फाइव डेज अजमेर वन फाइव जीरो सिक्स वन मे टू थाउजेंड सिक्स टू शबाना स्टेज इन नागपुर जो नागपुर में रहती है गॉड दिस लेटर ऑन सिक्स फाइव जीरो सिक्स सिक्स मई टू सिक्स को ये से ये लेटर मिला एंड उसने नागपुर से सेवन फाइव टू थाउजेंड सिक्स सेवन मई टू सिक्स को आतिफ़ को लेटर लिखा उससे एक दिन पहले उसे लेटर मिल गया था सो टोटल फाइव डेज़ लेटर को लेटर ने इतना टाइम लिया वहां में फ्रॉम अजमेर टू नागपुर इस क्वेश्चन को हमने अपने फेयर कॉपी में भी किया था सी डेट टू थाउजेंड सिक्स ईयर मंथ एंड डे सो सिक्स मे टू थाउजेंड सिक्स को उसे लेटर मिला एंड लेटर कब सेंड हुआ वन मे टू थाउजेंड सिक्स हमने माइनस कर दिया सिक्स माइनस वन इज फाइव एंड ऑल जीरो सो फाइव डेज सो द लेटर टेक्स फाइव डेज टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर सिमिलरली हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था हाउ मेनी डेज विल Atif स्पेंड एट हिज Nani's प्लेस उसने अपने नानी के घर में कितने दिन बिताए सो फिफ्टीन डेज जब से उसकी हॉलीडेज़ स्टार्ट हुई जब वो नानी के घर गया सो so दोनों डेट्स को हमने क्या कर दिया जब वो नानी के घर गया और वहाँ से रिटर्न वापस आया सो so इन डेज़ को हमने क्या कर दिया Subtract कर दिया सो फिफ्टीन डेज

सी माय स्कूल विल क्लोज ऑन फर्स्ट जून टू थाउजेंड सिक्स फर्स्ट जून डेट इन नंबर्स वन सिक्स जीरो सिक्स 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 वन जीरो फ्रॉम टू स्कूल विल री ओपन टेंथ ऑगस्ट सो टेन ऑगस्ट एट टेन एट जीरो सिक्स टोटल नंबर ऑफ डेज सिक्सटी नाइन डेज हमने यहाँ पे किया था टू मंथ्स नाइन डेज आए एंड टू मंथ्स एवरेज डेट्स लें तो थर्टी डेज थर्टी डेज अदरवाइज अभी हमने एवरेज लिया है डेट्स वाई थर्टी अदरवाइज फ्रॉम जून टू अगस्त बीच में जुलाई आता है जुलाई इन जुलाई देर आर थर्टी वन डेज होते हैं सो so हम थर्टी एंड थर्टी वन थर्टी प्लस थर्टी वन डेज देन प्लस नाइन डेज भी कर सकते थे टोटल सेवेंटी डेज बट एवरेज डेज सो थर्टी इंटू टू सिक्सटी एंड सिक्सटी डेज प्लस नाइन डेज इज सिक्सटी नाइन डेज और अगर हम एवरेज थर्टी वन जुलाई लेंगे सो so फिर हमें यहाँ पे नाइन माइनस वन इज एट ये करना पड़ेगा बिकॉज टेन अगस्त को स्कूल रीओपन हो रहा था डेट मीन्स छुट्टियां अगस्त तक ही थी एंड तब भी सिक्सटी नाइन डेज ही आते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आति हॉलीडेज so हॉलीडेज holidays स्टार्ट फ्रॉम one फाइव वन मे टू थाउजेंड सिक्स टू माय स्कूल विल रीओपन ऑन थर्टी सिक्स थर्टी जून टू थाउजेंड सिक्स थर्टी जून टू थाउजेंड सिक्स नंबर ऑफ डेज सेम इस क्वेश्चन को करेंगे सो प्लीज ओपन योर मैथ्स फेयर कॉपी लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सिक्स बिकॉज इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को हमने पाइप लिखा है सो क्वेश्चन सिक्स इज आती हॉलीडेज स्टार्टेड फ्रॉम One. May 2006, two thousand six to. Two. Thirty. June two thousand six. Fine. Number of days of his holidays, Answer six year month. Day Year two thousand six and month six day thirty. Next two thousand six year month fifth five or day one. Subtract them. सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले देखते हैं विच ईयर इज ग्रेटर सो ईयर सेम है टू थाउजेंड सिक्स हियर वी विल राइट जीरो एंड देन मंथ सिक्स फाइव सो दिस वन इज ग्रेटर देन सो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है जीरो माइनस वन इज कैरी टिक बोरो फ्रॉम हियर becomes 10 10 minus 1 is 9 2 minus 0 is 2 6 minus 5 is 1 and 6 minus 6 is 0 0 0 2 minus 2 is also 0 so 1 month 29 days since there are थर्टी डेज इन अंथ एक महीने में थर्टी डेज होते हैं एवरेज ले रहे हैं थर्टी अदरवाइज थर्टी वन भी होते हैं सो नंबर ऑफ डेज इन टू मंथ्स

So, number of days in month. So, number of days in month of May is thirty one days, thirty one days, so one month. In May month thirty-one days plus twenty-nine days. So total number of days. Therefore total number of days is equal to थर्टी वन प्लस ट्वेंटी नाइन वन मंथ थर्टी वन डेज ट्वेंटी नाइन एंड वन मंथ ट्वेंटी नाइन डेज आए सो वन मंथ थर्टी वन डेज एंड ट्वेंटी नाइन डेज़ को उसमें ऐड कर देंगे टोटल डेज फाइन करने के लिए सो वी विल गेट वन प्लस नाइन नाइन प्लस वन इज टेन जीरो वन इन कैरी थ्री प्लस टू इज थ्री फोर फाइव प्लस वन सिक्स

सबाना और या आतिफ सबाना या आतिफ को सिक्सटी नाइन इज ग्रेटर देन सिक्सटी डेट मीन सबाना सबाना गॉट लॉन्गर हॉलीडेज सबाना को ज्यादा लंबी छुट्टियाँ मिली देन आतिफ़ सो यू विल राइट हियर सबाना सबाना हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज देन आतिफ नेक्स्ट विच कौन सा लॉन्ग हॉलीडेज छुट्टियाँ डू यू आप गेट मिला या पाना इन मै स्कूल स्कूल में फिल भरना द टेबल टेबल विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल फिल द टेबल टेबल फिल करना है आपको स्कूल में कौन सी छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं या लॉन्ग हॉलीडेज मिलते हैं ज़्यादा लंबी छुट्टियाँ ओकेजन अवसर डेट्स फ्रॉम टू फ्रॉम से टू को नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्याएँ समर हॉलीडेज समर हॉलीडेन हॉलीडेज का ऑकेजन है समर हॉलीडेज गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं फ्रॉम ट्वेंटी जून टू थर्टी जून ट्वेंटी जून से थर्टी जून तक डेट मीन्स मे बी ये फिफ्टीन जून से भी हो सकता है ट्वेंटी जून ट्वेंटी टू जून सो फ्राम ट्वेंटी जून टू थर्टी जून हम एवरेज लेंगे नंबर ऑफ डेज एंड स्कूल विल री ओपन कब खुलेगा ऑन फर्स्ट जुलाई डैट मीन्स ईयर तो सेम है बहुत सो मंथ डे यू विल नॉट राइट इट इन योर फेयर कॉपी ओनली फॉर फाइंड नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डे फाइंड करने के लिए इसे मैं आपको शो कर रही हूँ कि कैसे होगा मंथ वन जुलाई जुलाई सेवेंथ मंथ एंड डे वन वन जुलाई को स्कूल अगेन रीओपन होगा एंड छुट्टी हुई थी जून में फ्रॉम ट्वेंटी जून सो सब्ट्रैक्ट वन माइनस जीरो इज नहीं होगा बोरो लेने के लिए यहाँ जीरो है सो हम वन मंथ ले रहे हैं बोरो वन मंथ ये बच गया सिक्स वन मंथ बोरो लिया वन मंथ हाउ मेनी डेज थर्टी डेज एवरेज डेट्स थर्टी सो थर्टी प्लस वन इज थर्टी वन नाउ वी विल एड सॉरी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्टी वन ट्वेंटी फ्रॉम थर्टी वन सो वन माइनस जीरो इज वन थ्री माइनस टू इज ऑल्सो वन एंड सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो जीरो माइनस जीरो इज जीरो That means 11 days. All right. So आप check भी कर सकते हैं count करके from 20 June to 30 June तक आपकी chuttiyan कितनी हो रही हैं 11 days. और जब ज्यादा छुट्टियाँ हैं तो हम काउंट नहीं करेंगे हमें सीधे क्या करना है ऐसे सब करना है दिस इज अ वे टू फाइन नंबर ऑफ डेज सो वी विल राइट हियर इलेवन डेज नेक्स्ट ऑटम ब्रेक ऑटम ब्रेक फ्रॉम सेप्टेम्बर टू अक्टूबर के टाइम पर होता है जब लेट्स टेन अक्टूबर टू ट्वेंटी अक्टूबर इफ यू वांट आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे अगेन मंथ डे ऑटम ब्रेक होगा फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी डेट मीन्स स्कूल विल रीओपन ट्वेंटी वन ऑन ट्वेंटी वन अक्टूबर ट्वेंटी वन मंथ अक्टूबर टेन ट्वेंटी वन डे एंड अक्टूबर में ही स्कूल क्लोज हुआ था सो मंथ सेम टेन एंड फ्रॉम टेन अक्टूबर सो डे इज ऑल्सो टेन वन माइनस जीरो इज वन टू माइनस वन इज वन एंड जीरो जीरो इलेवन डेज वी विल राइट हियर इलेवेन डेज नेक्स्ट विंटर ब्रेक ठंडियों की छुट्टियाँ होती हैं जब फ्रॉम ट्वेंटी फाइव दिसंबर और फ्रॉम वन जनवरी वन जनवरी से भी हो सकती हैं ट्वेंटी फाइव दिसंबर से भी टू थर्टी जैन थर्टी वन जैन और ट्वेंटी फाइव चैन ट्वेंटी सिक्स चैन स्कूल विल रीओपन सो so, सी यहाँ हमें ईयर भी लिखना होगा बिकॉज दिसंबर लास्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड जनवरी इज द फर्स्ट मंथ सो ईयर भी चेंज हो रहे हैं सपोज आपके हॉलीडेज हुए थे ईयर मंथ डे एंड सपोज आपके हॉलीडेज दिस इज फॉर

सिक्स माइनस फाइव इज़ वन टू माइनस टू इज जीरो वन माइनस ट्वेल्व सो यहाँ से वन ईयर बोरो करना पड़ेगा वन ईयर बोरो कर लिया डैट मीन्स टू थाउजेंड नाइनटीन वन ईयर माइनस हो गया टू थाउजेंड नाइन्टीन एंड वन ईयर मीन्स हाउ मेनी मंथ्स इन वन ईयर ट्वेल्व मंथ सो ट्वेल्व प्लस वन डेट मीन्स थर्टीन सो थर्टीन माइनस ट्वेल्व थ्री माइनस टू इज वन वन माइनस वन इज़ जीरो एंड टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड नाइनटीन जीरो सो वन मंथ वन डे फ्रॉम दिसंबर टू जैन हॉलीडेज हैं दिसंबर थर्टी दिसंबर में थर्टी वन डेज होते हैं सो वन मंथ मीन्स थर्टी वन डेज इन दिसंबर एंड प्लस वन डे डेट मीन्स वन प्लस वन इज़ टू एंड थ्री प्लस जीरो इज थ्री थर्टी टू डेज वी विल राइट हियर थर्टी टू डेज नेक्स्ट हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम हॉलीडेज छुट्टियाँ आफ्टर बाद में द एग्जाम एग्जाम के बाद जो छुट्टियाँ होती हैं फेबर मार्च मार्च में हॉलीडेज होते हैं आफ्टर एग्जाम फ्रॉम फिफ्टीन मार्च टू थर्टी मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च को आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है अगेन थर्टी वन मार्च योर स्कूल विल रीओपन सो मंथ डे मार्च विच इज थर्ड मंथ ऑफ द ईयर थ्री एंड डेट थर्टी वन को स्कूल खुलेगा छुट्टियाँ स्टार्ट हुई थी मार्च थर्ड मंथ एंड डे फिफ्टीन फिफ्टीन फ्रॉम फिफ्टीन मार्च सो वन माइनस फाइव टेक बोरो विल बिकम इलेवन इलेवन माइनस फाइव इज सिक्स टू माइनस वन इज़ वन थ्री माइनस थ्री इज़ जीरो जीरो माइनस ज़ीरो इज़ जीरो सो सिक्सटीन डेज so we will write here 16 days next page number 48 on may 15 may 2006 chandran went चंद्रन ने वेंट गया टू को ए एक सॉप दुकान टू को बाई खरीदने बटर मक्खन। ऑन फिफ्टीन मई टू थाउजेंड सिक्स चंद्रन वेंट टू अ सॉप टू बाई बटर फिफ्टीन मई टू थाउजेंड सिक्स मे 15 फाइव फिफ्टीन मई टू थाउजेंड सिक्स को चंद्रन दुकान में बटर खरीदने गया ही वह चेकड उसने चेक किया जांचा द पैकेट टू को सी देखना इफ़ यदि दिस यह बटर मक्खन वज था सेफ सुरक्षित टू ईट खाने को ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट ही उसने पैकेट चेक किया क्या देखने को कि यह बटर सुरक्षित खाने के लिए सेफ है या नहीं है इट वज यह था रिटर्न लिखा इस पर लिखा था ऑन पर द पैकेट इट वॉज रिटर्न ऑन द पैकेट पैकेट में यह लिखा था बेस्ट बिफोर सबसे अच्छा बेस्ट अच्छा बिफोर पहले वन एटी डेज दिनों फ्रॉम से द डेट ऑफ पैकिंग बेस्ट बिफोर वन एटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग जिस डेट से पैकिंग की गई थी उस बटर की उस बटर को जिस डे पे पैक किया गया था उसके बाद वे वन एट्टी डेज वन एटी डेज से पहले तक वो क्या रहेगा अच्छा रहेगा डेट मीन्स सेफ और ईट सेफ खाने के लिए सेफ रहेगा वन एटी डेज के बाद वो खराब हो जाएगा देन तब ही वह चेक द जाचा द डेट ऑफ पैकिंग तब उसने पैकिंग की डेट चेक की इट वज यह था फिफ्टीन वन सिक्स फिफ्टीन डे को रिप्रेजेंट करता है वन मंथ को एंड दिस वन फॉर ईयर सो फिफ्टीन जैन टू थाउजेंड सिक्स पैकिंग डेट थी फिफ्टीन मई टू थाउजेंड सॉरी फिफ्टीन मई टू थाउजेंड सिक्स को वो शॉप में गया था बटर खरीदने और उसने उस पर देखा कि उसमें लिखा था वन एटी डेज बेस्ट बिफोर वन एटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग एंड ही चेक डेट ऑफ पैकिंग पैकिंग की डेट थी फिफ्टीन वन टू थाउजेंड सिक्स मीन्स वो फिफ्टीन जनवरी टू थाउजेंड सिक्स में ही बन गया था पैक हो चुका था हेल्प हिम हेल्प सहायता हिम उसकी फाइन ढूंढने फाइंड आउट ढूंढने में इफ़ यदि ही शुड ही वह उसे सूट चाहिए बाइक खरीदना दिस यह बटर मक्खन और या नॉट नहीं उसकी हेल्प करनी है फ़ाइंड आउट करने में कि उसे यह मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो अगर वो 180 डेज से पहले डैट मीन्स 180 डेज़ इसकी एक्सपायरी डेट होती है जिस डेट तक खाने के लिए बटर सेफ रहेगा सो हमें फाइंड करने हैं 180 डेज़ फ्रॉम उसकी पैकिंग डेट से अगर वो इस डेट के बाद आएगी उसकी एक्सपायरी डेट डैट मीन्स वो खाने के लिए सेफ़ है और उसे वो खरीदना चाहिए अगर नहीं तो फिर उसे बटर नहीं खरीदना चाहिए सो वी विल डू इट फ्रॉम टुमारो कल से हम करेंगे एंड टुडे आपको इस चीज़ पर क्या करना है सोचना है कि क्या उसे खरीदना चाहिए और नहीं ख़रीदना चाहिए एंड 180 डेज़ आफ्टर पैकिंग डेट ऑफ पैकिंग वो कौन सी डेट पे आ रहा है सो नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट सो दिस इज इनफ फॉर टुडे